नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 26 नवंबर को विद्यालयों में मनाया जाएगा नशा मुक्ति दिवस। पटना समेत कई जिलों में 26 नवंबर को सभी विद्यालयों में नशा मुक्ति दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए सभी विद्यालयों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि नशा मुक्ति दिवस को लेकर छात्रों को पहले ही इसकी सारी जानकारी दी जा चुकी थी। नशा मुक्ति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ छात्रों द्वारा कार्यक्रम से पहले प्रभात फेरी भी निकलवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अठवाले ने भाजपा को बताया बड़ा खिलाड़ी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले इन दिनों पटना दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रातों रात महाराष्ट्र की सरकार में हुए परिवर्तन को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की तरह बड़ी खिलाड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों विराट कोहली की तरह ही मंजे खिलाड़ी हैं। दोनों एकदम सटीक शॉट खेलते हैं। यही कारण है कि बिना किसी को भनक लगे ही रातों रात महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आ गई। स्कूल से टीचरों का गायब रहना पड़ेगा महंगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत काफी निंदनीय है। ऐसे में सरकारी स्कूल के शिक्षक अपनी ड्यूटी से अक्सर नदारद दिखते हैं। अभी से शिक्षकों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अब अनुपस्थित रहे शिक्षकों से सरकार सख्ती से पेश आएगी। दरअसल 21 नवंबर को 48 हाई स्कूल में शिक्षा विभाग ने बिना किसी नोटिस के जांच पड़ताल की थी, जिसमें 35 शिक्षक गायब मिले। उन शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश देते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है। खुल गया वाल्मीकि नगर पार्क का रास्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया इस वाल्मीकि नगर पार्क का रास्ता पर्यटकों के लिए कुछ समय तक बंद कर दिया गया था, मगर अब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे कि लोग अब प्रकृति को और पास से देख सकेंगे। इस इको पार्क के शुरू होते ही सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पार्क का जायजा लिया। हालांकि अभी तक जल संसाधन विभाग को यह पार्क आवंटित नहीं किया गया है। मैट्रिक की परीक्षा में अब दिखेंगे ट्रांसजेंडर भी। इस साल बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म में अलग एक कॉलम उपलब्ध कराया है, जिसमें बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा और इंटर की परीक्षा के फॉर्म में छात्र छात्राओं और ट्रांसजेंडर के लिए अलग कॉलम उपलब्ध कराया गया है। इससे बोर्ड को ट्रांसजेंडर परीक्षार्थियों की संख्या का पता चलेगा। आपको बता दें, बिहार देश में तीसरा राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडर के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सुशील मोदी ने पटना की वायु गुणवत्ता को बताया बेहतर। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन एयर एक्शन प्लान फॉर द सिटी ऑफ पटना द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्लान के रिपोर्ट के मुताबिक पटना के पिछले 4 साल की वायु गुणवत्ता की अगर जांच पड़ताल की जाए तो इस बार की वायु गुणवत्ता पिछले 4 साल से काफी बेहतर है। वहीं गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार अपनी ओर से सारी कोशिश कर रही है। कृषि इनपुट अनुदान के लिए करना है आवेदन तो देर ना करें। हाल ही में पटना में हुए बारिश के कारण हुए भारी जलजमाव में आम जनजीवन को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। इसी क्रम में किसानों को भी अपनी फसलों से संबंधित नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बिहार सरकार अब उन किसानों की मदद करने जा रही है। प्रकृति के कारण नष्ट हुई फसलों की भरपाई के लिए सरकार अब कृषि इनपुट अनुदान देने की योजना बना रही है, जिसके तहत सरकार ने इसकी तारीख में बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। किसान कृषि इनपुट अनुदान के लिए 20 नवंबर के बजाय 30 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। इग्नू में एससी एसटी के साथ है किन्नरों का निशुल्क प्रवेश। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वालों के लिए खुशखबरी। जनवरी 2020 सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से कमला रॉय कॉलेज और एसएमडी कॉलेज में छात्र छात्राओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे खास बात यह है कि एससी एसटी के अभ्यर्थी का आवेदन भरने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं किन्नरों के एडमिशन के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में काफी प्रावधान लाए गए हैं, उन्हें भी आवेदन भरने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। बिहार की धरती पर कलाकारों की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में बिहारियों का दमखम आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। कलाकारों के इसी क्रम में आज हम बात करेंगे संदली सिन्हा की। संदली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। संदली सिन्हा ने फिल्मी जगत की शुरुआत तुम्बिन फिल्म से की थी। उनकी इस फिल्म ने फिल्मी पर्दे पर खूब धमाल मचाया था, मगर इस फिल्म के बाद संदली सिन्हा का फिल्मी करियर वहीं का वहीं थम गया, जिसके बाद से संदली ने अपनी किस्मत बिजनेस में आजमाने का फैसला किया और आज संदली एक बेहद ही काबिल बिजनेस महिला बनकर उभरी हैं। पत्रकार अशोक कुमार अंज ने रचा इतिहास। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने वाले पत्रकार अशोक कुमार अंज का नाम हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पत्रकार अंज मूल रूप से गया जिले के वजीरगंज के निवासी है, जिन्होंने पर्वत पुरुष कहे जाने वाले दशरथ राम मांझी और शिबू मिस्त्री के जीवन पर एक विशेष आर्टिकल लिखा था। पत्रकार अंज के लेखन ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि उनकी लेखनी के माध्यम से कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनाई गई। पत्रकार अशोक कुमार अंज के इस उपलब्धि से समूचे बिहार को उन पर गर्व है।
महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर बोले केसी त्यागी। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सिद्धांतहीन और मौका परस्त राजनीति की शुरुआत शिवसेना ने की थी, जिसका अंत भाजपा ने किया है। लगभग 100 साल से धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाली कांग्रेस और लगभग 50 साल से राष्ट्रवाद का राग अलाप रही शिवसेना का सपना महाराष्ट्र में सरकार बनाने का था, मगर भाजपा ने उनके सारे प्यादों पर पानी फेर दिया। व्यापार मेले में रहा बिहार का बोलबाला। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार की मिथिला पेंटिंग, टिकुली आर्ट, सुजनी कला का बोलबाला रहा। वहीं आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के कलाकारों के गीत संगीत से भी पूरा परिसर गूंज उठा। मेले में बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री श्याम रजक द्वारा करवाया गया। उद्घाटन के बाद श्याम रजक ने कहा कि खादी में रोजगार की संभावनाएं असीम है। अभिबस ने की बीएसआरटी से साझेदारी। ऑनलाइन बस टिकटिंग मार्केटप्लेस अभिबस.com ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के साथ किए गए साझेदारी के तहत अभिबस.com से बीएसआरटीसी के तहत चलने वाली बस की टिकट बुकिंग की जा सकती है। कंपनी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह सेवा अब सभी ग्राहकों को बिहार और उत्तर प्रदेश को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने वाले मार्गों पर चलने वाली बसों के लिए टिकट मुहैया करवाएगी। बिहार के सुपौल का करना है भ्रमण, तो इन स्थलों पर जाना ना भूले। कम खर्चे में घूमने की चाह रखने वालों के लिए आज इस सेगमेंट में हम सुपौल के पर्यटन स्थलों के बारे में बताने वाले हैं। सुपौल जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूले। धराहरा, विष्णु मंदिर, टिंटोलिया, कोसी नदी, कपिलेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना से सुपौल गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को 6 से 7 घंटे का सफर करना पड़ेगा। पटना से सुपौल बाय रोड की दूरी NH 27 से 254.4 किलोमीटर है। यूनिवर्सिटी के छात्रावास का दौरा करते दिखे पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव आए दिनों सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। जन अधिकार पार्टी द्वारा 24 नवंबर को शाखा मैदान राजेंद्र नगर पटना में राज्य भवन तक आयोजित किए गए मार्च के लिए आमंत्रित किए गए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पहले पटना विश्वविद्यालय के अम्बेडकर हॉस्टल, जंक्शन हॉस्टल, सैदपुर हॉस्टल समेत अन्य कई छात्रावासों का दौरा किया। UGC NET की परीक्षा 2 दिसंबर से। UGC NET परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक होने वाले इस परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किए गए थे। परीक्षा एक सत्र में ली जाएगी। आपको बता दें, आयोजित परीक्षा के लिए 10 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन भरे हैं। तेजस्वी ने दिया राजद नेताओं को अपना गुरु मंत्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी को तैयार करने में जुटे हैं। इसी क्रम में विधानसभा में आयोजित शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के चलते गुरु मंत्र दिया है। उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि सभी नेता संसद में उपस्थित रहे, ताकि हम सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा सके। बिहार में 5.5 लाख महिलाओं ने दिया साक्षरता परीक्षा। बिहार के करीब 5.5 लाख महिलाएं साक्षरता महापरीक्षा में शामिल हुई थीं। 15 से 35 साल की इन महिलाओं ने बिहार सरकार की मुख्यमंत्री दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा साक्षरता योजना के तहत ताज़ा अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिलों में आयोजित होने वाली इस बुनियादी साक्षरता परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आपको बता दें, परीक्षा में पास करने वाले नव साक्षरों को NIOS द्वारा समक्षता का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ऋतिक ने इस एक्ट्रेस के नाम की सिफारिश की। सुपर 30 में ऋतिक के साथ काम कर चुके मृणाल ठाकुर का नाम एक बार फिर ऋतिक रोशन ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए सजेस्ट किया है। दरअसल ऋतिक रोशन ने अपनी आने वाली फिल्म क्रिश 4 के लिए मृणाल ठाकुर का नाम क्रिश 4 के डायरेक्टर को सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सुपर 30 में मृणाल का काम बहुत पसंद आया था। फिल्म में मृणाल के आत्मविश्वास ने मेरा दिल जीत लिया। आपको बता दें, अभी मृणाल ठाकुर जर्सी की शूटिंग में व्यस्त है। BSEB ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट की जारी। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। BSEB ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। साथ ही साथ सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। सभी परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा जारी की गई नई डेटशीट को BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली की भांति अब बिहार में भी बढ़ रहा है दूषित पानी का प्रभाव। हर साल के बाद बिहार में दूषित पानी का असर बढ़ता ही जा रहा है। PhD की जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पानी में आयरन की मात्रा की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में लोग इस दूषित पानी का सेवन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं सरकार ने लोगों को दूषित पानी से बचाने के लिए नल जल योजना के तहत साल 2020 तक लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने का निश्चय किया है। भागलपुर महोत्सव में कई कलाकार लेंगे हिस्सा। जल्द ही भागलपुर महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। 11 दिसंबर से शुरू होने वाले इस भागलपुर महोत्सव में कई कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें, इस महोत्सव की शुरुआत इंडियन आइडल की फेम तोरसा सरकार की गीत से और स्वास्थ्य नित्या के डांस परफॉर्मेंस से कार्यक्रम का आगाज होगा। इसके अलावा इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 नवंबर को 22 कैरेट के प्रति ग्राम 3,750 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,850 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.38 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.21 रुपए प्रति लीटर था। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह के लिए जदयू नेता संजय सिंह ने की बैठक। अगले साल 19 जनवरी 2020 को होने वाले महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह के आयोजन के लिए जदयू नेता संजय सिंह ने गोपालगंज के शंभू महाराज हॉल में महाराणा प्रताप समिति समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें, संजय सिंह के साथ महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का जायजा लेने वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह भी पहुंचे थे। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। नवंबर शुरू होते होते ठंड के असर दिखने लगते हैं, पंखे बंद हो जाते हैं तो कंबल बंद बक्सों से बाहर निकल आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गुलाबी ठंड का असर किन किन जगहों पर देखने को मिलेगा। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय महसूस होगी। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी देखने लगेगा। कल पूछे गए सवाल का जवाब बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, जिनमें से आशीष कुमार, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, सोनू कुमार यादव, राहुल कुमार पोदार, मनीष कुमार का सुझाव हमारी टीम को काफी अच्छा लगा। और भी कई लोगों के सुझाव हमें अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उन लोगों का नाम नहीं ले सके। और अब आज का सवाल, आप अपने जिले के सबसे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थलों का नाम बताएं। इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।